कल यानी कि 17 अप्रैल को करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म कलंक रिलीज हो गई थी और फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। और अगर ये कहें कि इस फिल्म को ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया तो गलत नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है। कलंक ने पहले ही दिन 21 करोड़ 60 लाख की कमाई कर डाली है और इसी के साथ ये फिल्म 2019 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। इसके साथ ही कलंक वरुण धवन और आलिया भट्ट के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के नाम था। केसरी ने पहले ही दिन 21 करोड़ 6 लाख की ओपनिंग दी थी। इसके अलावा बात करें साल की दूसरी बड़ी हिट फिल्म्स की, तो रणवीर सिंह आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गली बॉय ने पहले ही दिन 19 करोड़ 40 लाख की धमाकेदार ओपनिंग दी थी। वहीं अजय देवगन, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित जैसे सुपरस्टार्स से सजी टोटल धमाल ने 16 करोड़ 50 लाख की ओपनिंग कलेक्शन किया था। 2019 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका ने 8 करोड़ 75 लाख से शुरुआत की थी। वहीं विकी कौशल की फिल्म उरी ने 8 करोड़ 20 लाख की ओपनिंग दी थी। फिलहाल कलंक के पास कमाने के लिए लंबा वीकेंड है। शुक्रवार को देश में गुड फ्राइडे की छुट्टियां हैं, फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी का फायदा भी फिल्म को मिल सकता है। और कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म पहले ही वीकेंड तक 90 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है। बता दें कि कलंक इंडिया में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई ये फिल्म इस वीकेंड तक 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले पाती है या नहीं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।